क्लासेस आज हम एक टॉपिक समझने वाले हैं जो कि बहुत ही खास है अपने आप में। इससे पहले वाले जो आप मेरे चैनल पर वीडियोस देखोगे उसमें मैंने आपको पार्टीशन को क्रिएट करना और मर्ज करना बताया था, लेकिन उसमें डेटा लॉस का डर था। आज मैं आपको पार्टीशन को क्रिएट करके बताऊंगा और मर्ज करके ही बताऊंगा, जिसमें आपका जो डेटा उन ड्राइव्स के अंदर होगा वो नहीं डिलीट होगा, वो नहीं जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे माई कंप्यूटर के अंदर कितने पार्टीशन हैं। माई कंप्यूटर ओपन करेंगे हम तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरे पास तीन पार्टीशन है। इसमें मेरी विंडो इंस्टॉल है जिसमें आपको विंडो का शाइन दिख रहा है। इसके अंदर मेरा कुछ डेटा पड़ा हुआ है जो कि अमूमन कुछ GB का है, 59 में से 53 जाएंगे, 6 GB का डेटा है और ये मेरी पूरी खाली ड्राइव है, कोई डेटा नहीं है। पहले हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं तो हमारा मर्जिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर मैं आपको एक ही वीडियो में इसको दोबारा से अलग अलग क्रिएट करने ही बता दूंगा और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री है और उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए हम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और डबल क्लिक करके हम इसको ऑन करेंगे। इसके लिए यस नो पूछता है, ये सिक्योरिटी रीजन है इसलिए आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा डिस्प्ले पे, लेकिन आपको यस पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर का इंटरफेस खुलने ही वाला है और सॉफ्टवेयर जो आपका होगा वो कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देगा, जिसमें आपके एक दो ड्राइव नज़र आ रहे हैं ये दोनों, और इसमें आपकी विंडो है। तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होगा आप, इसमें ड्राइव में डेटा है, इस ड्राइव में आपकी विंडो है और इस ड्राइव में कुछ नहीं। हमें इन दोनों को मर्ज करना है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे तो मर्ज पार्टीशन का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आपको आराम से क्लिक कर देना है स्लोली, और आप यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है आपको सी के साथ मर्ज करना है, ई के साथ मर्ज करना है, एफ के साथ मर्ज करना है। एफ पर क्लिक कर देंगे, ई और एफ को हमें मर्ज करना है। आप देख लीजिए एक बार, सी हमारा डेटा है, ई और एफ ब्लैंक है, तो ई और एफ को ही हमें मर्ज करना है। दोनों पे आपको ऐसे टिक करने के बाद आपको ओके प्रेस करना है। देन यहाँ से आप देखिए साइज तो एक हो गया, लेकिन यहाँ से आपको अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई पे प्रोसीड करेंगे तो कोशिश करना कि आप अगर हो सके तो चार्ज पे लगा के लैपटॉप करना, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मैंने बिना चार्ज के कर रहा हूँ मैं, तो यस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपकी बैटरी लैपटॉप की 70% से कम चार्ज है तो ये आपका सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, कोशिश करें इसको चार्ज पे लगा कर ही काम करें, हार्ड डिस्क एरर ना आ जाए। ये बस थोड़ी देर का ही काम है और हमारे जो वॉल्यूम है वो ये देखिए हमारा काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं, आपको दिख तो यहीं से गया होगा कि देखिए यहाँ पर जो डेटा था वो साइज इतना ही है, डेटा तो इसमें से गायब हुआ ही नहीं अभी तक। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको मिनिमाइज करेंगे, फिर इसको करने के बाद डबल क्लिक करके माई कंप्यूटर ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे तो एक ड्राइव है, साइज इसका देख लीजिए 319 GB है, 159 GB में कन्वर्ट हुए पड़े थे, दो पार्टीशन मैंने एक ही बना दिया। और ये देख लीजिए आपका जो एफ ड्राइव का डेटा होगा, यहाँ पे एफ ड्राइव करके अपने आप ही इसमें सेट कर देगा, लेकिन उस ड्राइव में कोई डेटा था नहीं इसलिए कहीं गया नहीं मेरा। और देख लीजिए इसमें जैसे हमारा ये डेटा पड़ा हुआ है, अभी मैं इसी में से आपको दो पार्टीशन बना के दिखाता हूँ सेम। इसके लिए हम फिर से वापस अपने सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जो कि ओपन ऑलरेडी हो रखा है, इसमें से इसको खोला और इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा क्रिएट पार्टीशन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अमूमन ये अपने ना साइज को दोनों को सेम साइज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हम यहाँ से 100 GB ले लेते हैं, कर देंगे बस। आपको अप्लाई करना है, अभी भी कंडीशन यही है कि लैपटॉप या तो प्लग पर लगा के रखें, अगर बिना प्लग के है तो आप इसको 70% से बैटरी ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही कम लोगों को पता है। सब कट करके चलो दिखा देते हैं आपको, डबल क्लिक माई कंप्यूटर को ओपन करना है आपको, देख लीजिए इसका डेटा हमारा सारा सेफ है, इसमें से जो देखिए 319 GB था, 100 GB इधर कन्वर्ट कर दिया हमारा।
बने रहिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस सॉफ्टवेयर की जो लिंक है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक करके सिर्फ डाउनलोड करना है। थैंक यू गाइस।